नारायण नारायण श्री कृष्णार्जुन संकथामृत निधेर धीरम गभीरम तलम तत्वान्वेषण तत्परैरधिगतम कैकैर्न सद्धीवरै किंतु प्रत्न विचार रत्न निचयान आदाय दाने प्रभु पूर्णानंदमृते न कश्चिदिति तम सर्वात्मना संश्रय। ओम भक्त के हृदय में कोई उद्वेग नहीं रहता है। उद्वेग घबराहट ऐसी हूक उठती है जैसे दिल कलेजे से बाहर हो जाए, हूल उठती है, हूल वेग होता है, वेग भीतर का एक वेग जैसे कलेजे में से निकल के मुंह के रास्ते बाहर जाना चाहता है, उद्वेग बोलते हैं। हम तो जानते नहीं उस शब्द का अर्थ क्या होता है। आजकल लोग आके कहते हैं उनको डिप्रेशन हो गया है, तो हम तो डिप्रेशन का मतलब नहीं जानते हैं। तो भक्त यदि संसारी कारणों से उद्विग्न होगा तो भगवान का विस्मरण तो हो ही जाएगा, याद तो छूट ही जाएगी, लेकिन हृदय में बैठे हुए भगवान की ओर पीठ भी हो जाएगी, भगवान का अपमान भी हो जाएगा। इसलिए किसी भी कारण से अपने हृदय में उद्वेग नहीं आने देना चाहिए और न तो दूसरे को उद्विग्न करना चाहिए, क्योंकि फिर उसको भी भगवान भूल जाएंगे, विमुख हो जाएगा भगवान से, उसके द्वारा भी भगवान का एक प्रकार से अपमान तिरस्कार ही होगा। जब अपने घर में भगवान बैठे हों तो दूसरे कारण से हर्ष होना, उद्विग्न होना, डरना, चिढ़ना, दूसरे किसी कारण से खुश होना, चिढ़ना, डरना और उद्विग्न होना, ये मालिक के सामने तो सावधान रहकर उसकी सेवा ही करनी चाहिए। ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे हृदय में वो बैठा हुआ है, तब भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो देखो दुनिया में ये आया, खुशी का काम आया और ये तो मुझको देख रहा है, उद्वेग का हेतु आया और ये तो मुझे देख रहा है, चिढ़ने का कारण उपस्थित हुआ परंतु ये तो मुझे देख रहा है, भय का कारण उपस्थित हुआ परंतु ये तो मुझे देख रहा है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त होकर जो भगवत भाव से भावित रहता है, भगवान उससे प्यार करते हैं। चाहते तो सभी हैं कि भगवान का प्यार हमें प्राप्त हो, परंतु भगवान से सेवा लेने के लिए भगवान का प्यार चाहते हैं।
तुम हमसे प्रेम करो। और पहली शर्त तो भगवान के साथ है, तुम हमसे प्रेम करो, हम करें कि न करें, और फिर तुम हमारी सेवा करो, जो हम कहें सो ही करो, जो हम चाहें सो ही करो। हम ईश्वर के साथ एक बढ़िया नौकर का व्यवहार करना चाहते हैं, जैसे नौकर को देते हैं लेते हैं, खुश रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे मन का एक काम करे। ये तो कोई भगवान की इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अच्छा, और भगवान काम भी करते हैं, करते हैं, तो वो हृदय की अपेक्षा से ही करते हैं। जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उस हृदय में जो भगवान की ज्योति जगमगा रही है, जो उनकी छवि छलक रही है, वो अपने हृदय दर्पण में प्रतिबिंबित जो भगवान की छवि है, वो हमारा काम करती है, स्वयं भगवान काम नहीं करते हैं। अब ये है कि कभी कभी किसी भक्त को देख के अपने आप को भगवान भूल जाएं, उसके लिए द्रवित हो जाएं, और जटायु की धूरी जटा न समझारी, तो वो बात दूसरी है। नहीं तो भगवान का प्रतिबिंब ही हमारे हृदय में रहकर हमारा सब काम बनाता रहता है, भगवान को तो पता ही नहीं चलता। यदि भगवान से काम लेना हो तो अपने हृदय का दर्पण स्वच्छ रखिए और उसमें भगवान की छाया प्रतिबिंब पड़ने दीजिए। पहले एक छाया पुरुष की साधना होती थी, अब भी कोई करते होंगे, शीशे में अपनी परछाई पड़ती थी और उसको चेतन कर लेते थे और हुक्म देते थे कि तुम ये काम करो। ऐसी एक साधना हमारे बचपन में प्रचलित थी। तो भगवान भी अपनी परछाई प्रतिबिंब छाया हमारे स्वच्छ हृदय दर्पण में डाल देते हैं और वो हमारे भक्त का, अपने भक्त का जो अभीष्ट है, लालसा है, उसको वो प्रतिबिंब ही, वो प्राइवेट भगवान होता है, वो सार्वजनिक नहीं होता है। अच्छा, और आगे अब भक्त की पहचान बताते हैं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी। भक्त जो मदभक्त समय प्रिय जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समय प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तो जैसे अपने घर की कुंजी ताली किसी दूसरे के हाथ में दे दी जाए, वैसे भगवान अर्जुन को अपने प्यार की कुंजी ताली दे रहे हैं कि यदि मेरा प्यार पाना कोई चाहे, मेरे हृदय को खोल कर और उसमें से मेरे हृदय में जो प्यार भरा हुआ है उसको अपनी ओर अपने घर में लेना चाहे, तो लो उसके लिए हम ये
रहस्य बता, चाबी कहाँ रखी है? तो भगवान ने बताया कि हमारी चाबी तो तुम्हारे दिल में रखी है। लो, हम अपनी चाबी अपने पास नहीं रखते, तुम्हारे पास रखते हैं। तो तुम पहचानते नहीं हो हमारा प्यार पाने की चाबी क्या है। अनपेक्षः शुचिः दक्षः, अनपेक्ष हो जाओ। ये संस्कृत भाषा में दो शब्द प्राय एक साथ चलते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। जब हम दूसरे से कुछ उम्मीद रखते हैं तो उसका नाम हो जाता है अपेक्षा, और जब हम दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं तो उसका नाम हो जाता है उपेक्षा। यहां अपेक्षा न होने को अनपेक्ष कहा है। हम किसी से कुछ उम्मीद न रखें, हमारे हैं भगवान। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहौ कहा विश्वासा। सेवा करो सेठ की, अपने मालिक की, और तेल साबुन मांगने के लिए जाओ दूसरे के घर, तो इसमें सेठ की बेइज्जती है कि नहीं है? वो अपने नौकर को तेल साबुन नहीं देता है? मोर दास कहाई नर आशा करई, मेरा सेवक होकर किसी मनुष्य की आशा करता है तो कहो कहा विश्वासा, बताओ मेरे ऊपर विश्वास कहाँ? तो किसी की अपेक्षा नहीं है। वैसे संस्कृत में अपेक्षा माने होता है अंधापन। इच्छा ईक्षण दर्शन, और आप माने बस वही समझ लो अपोजिट। जब आपकी आंख ठीक ठीक नहीं देख पाती है तब जैसे आप दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहते हैं ना, अपेक्षा हो गई। आंख अंधी है तो दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत हो गई, अपेक्षा हो गई। हमारे पास गरीबी है तो धनी की अपेक्षा हो गई, मूर्खता है तो विद्वान की अपेक्षा हो गई। तो जब अपनी नजर कमजोर होती है तब दूसरे की आंख से देखने की जरूरत पड़ती है, इसी को अपेक्षा कहते हैं। अपेक्षा अपगतम ईक्षणम अपेक्षा। तो ये अपेक्षा न हो, अर्थात हमारी नजर हमारी दृष्टि भरपूर हो, और दृष्टि भरपूर तब होती है जब भगवान की राय से अपनी राय मिलती जाती है। हमारा मतभेद है बहुत बड़े के साथ, ईश्वर के साथ मतभेद है। अरे हमने तो देखा बाबा, आपसे पहले कई बरस पहले किसी बड़े अफसर से मतभेद हो गया तो उसने मतभेद रखने वाले को पीस दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। अफसरों की ये स्थिति है, मैं ओहदे का नाम नहीं लेता हूँ। हम तो आदमी का नाम लें तब भी आप जान जाएंगे, ओहदे का नाम लें तब भी आप जान जाएंगे। और हमारी ये हिम्मत, हमारी ये हिमाकत कि हम ईश्वर से मतभेद रखते हैं,
तो ये हो गई अपेक्षा, उधर से हो गए हम अंधे और दुनिया में उम्मीद रखने लगे, आशा रखने लगे, परवाह रखने लगे दूसरों की। अच्छा, फिर बेपरवाह हो गए। एक साधु था, उसका नाम था वो बेख्वाहिश बेपरवाह, उसका नाम ही था बेख्वाहिश बेपरवाह, किसी से कुछ चाहना नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं। पर इसमें ये बात है कि करे तो गंदा काम और बने बेपरवाह, कि हमको किसी की परवाह नहीं है, गलत। अनपेक्षा शुचि ही, पवित्र हो, शुद्ध हृदय हो, निष्पाप हो, और किसी की अपेक्षा न रखे तो वो चल सकता है। और गंदी आदत, गंदा काम, गंदा मन और बनने चले अनपेक्ष, भगवान का प्यार नहीं मिलेगा। शुचि ही, अपनी ओर से पवित्रता चाहिए। जैसे कपड़े धोते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि यदि कपड़े को आग में डाल दें तो जल जाएगा, लेकिन उसी आग की गर्मी जब पानी में उतार लेते हैं और उसमें कपड़ा धोते हैं तो साफ हो जाता है। तो ये जो अद्वैत वेदांतियों का ज्ञान है, ये सीधे सीधे आ जाए तो जला देता है, और यदि भक्ति रस में और सराबोर करके उसको अपने हृदय में बुलाते हैं तो वो अनंत जीवन दान करता है। जिलाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। ज्ञानाग्नि है भस्म करने वाली, लेकिन वही जब भक्ति रस में उतर के आती है तो जीवन को रसमय बना देती है। पवित्रता चाहिए। अब एक तीसरी बात बोलते हैं, ये भगवान का प्यार पाने की चाबी है। निकम्मा नहीं होना चाहिए और भगवान की बदनामी नहीं करानी चाहिए। वो हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, तो भाई हमें दाल पकाते समय ख्याल नहीं रहा कि कच्ची है कि पक्की, और नमक डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अच्छा, भगवान का भजन करने से ऐसा हो जाता है कि आपको कच्ची पक्की दाल का पता न चले और नमक डाला कि नहीं डाला इसका पता न चले। ये बेसहूर बनाने वाली है भगवान की भक्ति। दक्ष हर काम में हो, दक्ष होना चाहिए, ये भक्त की पहचान है, ये लक्षण है। और नौकर कोई काम कर रहा हो, आप उसको कुछ मत बोलिए, उसका काम अपने हाथ में ले लीजिए और करके बताइए, देखिए ये ऐसे किए जाता है। रसोई की रसोइये की रोटी अगर गोल न बनती हो तो आप अपने हाथ में बेलन लेके बेल के बता दीजिए कि ऐसे गोल होती है ऐसे। यदि वो सेंकते समय जल जाती हो या कच्ची रह जाती हो तो आप सेंक के बता दीजिए। दक्ष, झाड़ू अगर ठीक ना लग रही हो, पोतना घर में ठीक ना लग रहा हो, तो आप हाथ में लीजिए पोतना और बता दीजिए। शर्म आ जाएगी उसको कि हमसे अच्छा काम तो हमारे मालिक जानते हैं, वो स्वयं बढ़िया करने लगेगा। हर काम में दक्ष होना चाहिए। हमने गीता प्रेस में एक बार देखा था जिल्द साजी का काम। आजकल एक शंकराचार्य हैं, वो किया करते थे, तो गंगा बाबू जब देखते कि जिल्द ठीक नहीं बन रहा है तो जाके ले लेते अपने हाथ में, पंडित जी जिल्द ऐसे ही बनाइए। गंगा बाबू को तो आप जानते हैं, मैनेजर थे गीता प्रेस के,
तो अपने हाथ से जिल्द बना के दिखाते थे, जिल्द ऐसे बनाई जाती है। अब महाराज करने वाला क्या करे, उसको करना ही पड़ता है। तो भक्त को हर काम में दक्ष होना चाहिए, बोलने में दक्ष, करने में दक्ष। दूध चढ़ा के आग पर किसी से बात करने लगे, उफन के गिर गया, नहीं सावधान रहना चाहिए भाई। किसी के पास, बिल्कुल पास जाके मुंह के पास बात करने लगे और थूक उड़ के पड़ने लगा, जरा जरा दूर से बात करना चाहिए, वो बिल्कुल मुंह के पास सट के बात नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत गंवारू बात आपको सुना रहे हैं, आप लोगों को तो ऐसा काम करने का क्या मौका मिले, बड़े लोग हैं। दक्ष और व्यवहार का जो धरातल है उससे थोड़ा अपने को ऊपर रखना चाहिए, उदासीन हो। ये जो राग द्वेष की दुनिया है, आपके साथ जो बात करता है वो किसी के प्रेम में मुब्तिला है, उर्दू का शब्द है, किसी के प्रेम में मगन है, तन्मय है, आपसे जो बात कर रहा है बोला, तो जैसे वो प्रेम में कहीं फंस के और उसका पक्षपात रख के उसका काम बनाने के लिए बात कर रहा है, आप थोड़ा उससे ऊपर रहिए, बह मत जाइए उसके पक्षपात में। आपसे जो बात कर रहा है उसके मन में द्वेष है किसी से, और वो चाहता है कि जिससे मैं द्वेष करता हूं उससे ये भी द्वेष करे, आपको अपने द्वेष के चक्कर में वो फंसाना चाहता है। आप उसकी बात सुनते समय जरा उदासी ऊपर ऊपर रहिए उससे, उदासी उत्त माने ऊपर और आसीन माने बैठा हुआ। ये व्यवहार में बिना राग द्वेष के लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो यदि आपको भगवान की भक्ति करनी है तो उनके स्तर से आपका स्तर ऊंचा होना चाहिए। प्रज्ञा प्रासाद मारुज्य अशोच्यान सोचतो जनान, आप प्रज्ञा के महल पर सबसे ऊंची छत पर बैठ जाइए, और दुनिया के लोग जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हैं। भूमिष्ठा निवशैलस्था सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति, जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा आदमी नीचे के लोगों को देखता है, वैसे आप भगवान के साथ खड़े होकर देखिए, न राग के चक्कर में फंसिए, न द्वेष के चक्कर में फंसिए, उदासीन हो। यदि उदासीन नहीं होंगे तो आप भी रागी हो जाएंगे, आप भी द्वेषी हो जाएंगे, भगवान के प्यार की जो चाबी है वो आपके हाथ से गिर पड़ेगी। गतव्यथा, अब हर बात की पीड़ा ही होती जा रही है, पीड़ा पीड़ा पीड़ा, व्यथा नहीं होनी चाहिए चित्त में। एक बात है कि व्यथा तब होती है जब हम कोई अपनी शक्ति से बाहर का काम शुरू कर देते हैं। हाथ वहीं तक डालना चाहिए जहां तक खींच सकते हो, बंदर उस छोटे मुंह के बर्तन में हाथ डालकर चना निकालना चाहता है जहां से उसकी बंधी मुट्ठी निकल नहीं पाती है, पकड़ा जाता है। हाथी उस हथनी के साथ अपने शरीर को सटा देता है जहां से वो छूट नहीं पाता और गड्ढे में जाके गिरता है। ये बहेलिया लोग जो होते हैं शिकारी, तिकोनी में गोंद लगा के रख देते हैं, चिड़िया उसमें घुस जाती है, पाँख में गोंद लग जाती है, निकल नहीं पाती है। तो गतव्यथ होने का माने व्यथा से मुक्त होने का
तरीका ये है, तरकीब ये है, युक्ति ये है कि बहुत बड़े बड़े काम शुरू न करें, छोटे से प्रारंभ करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और कर्ज ले लिया, बड़ा काम करने की लालच में कर्ज ले लिया, सारी आमदनी ब्याज चुकाने में चली गई। सोच विचार के सर्वारंभ परित्यागी। एक साधु थे लखनऊ में, उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मण बहुत बुला लिए और लाखों रुपए का चंदा इकट्ठा करके अपने पास रख लिया कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। अब जिस दिन दक्षिणा देना था महाराज, उनका रुपया ही कोई लेके चला गया। अब ब्राह्मण सब बेचारे ऐसे ही टापते रह गए। और कहीं कहीं तो चंदा इकट्ठा करने वाले ही लेके चले गए हो, हमको तो बहुत यज्ञों का पता है ना। तो सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ है कि गणान गणिकान राजान इनसे बचना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े काम नहीं करना चाहिए जिसके करने में हम जिसके लिए कर रहे हैं उसी को भूल जाए। ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा के लिए कर रहे हैं, इतना बड़ा काम शुरू कर दिया कि उसमें खिंच गई, अपनी नसें तन गई, दिमाग खिंच गया, व्याकुल हो गए। महात्मा बुद्ध ने कहा हाथ खींचो, हाथ वहीं तक डालो जहां से अपने को निकाल सकते हो, गहराई में वहीं तक उतरो जहां से फिर ऊपर चढ़ सकते हो। तो देखो गीता का तो कहना है कि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। जितना हम बड़ा बड़ा काम शुरू करते हैं उसमें कोई न कोई दोष जरूर होता है। जैसे आग में धुआं होता है, वैसे बहुत बड़े काम में किसी न किसी को कष्ट पहुंचने की संभावना बनी रहती है। तब सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। इसी से साधु के लिए भागवत में तो कहा नारंभा नारभेत क्वचित, कभी कोई बड़ा आरंभ नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर के सहारे न चल सकता हो, जिसमें आदमी का सहारा लेना पड़े, धन का सहारा लेना पड़े, मांगना पड़े, ऐसा कोई काम साधु को नहीं करना चाहिए। भागवत में नारंभान आरभेत क्वचित, सर्वारंभाय दोषेण धूमेन अग्निरिवावृता। तो सर्वारंभ परित्यागी, और दिल में क्या रखे है कि भक्तिमान जो मद भक्त, क्या है जो मद भक्त समय प्रिया, तुम करो मेरी सेवा मैं करूं तुमसे प्यार, तुम करो मुझसे प्यार मैं करूं तुमसे प्यार, परस्पर दो चकोर दो चंदा, तुम देखो मुझको मैं देखो तुमको। फिर भक्त जो अनन्य भक्त होते हैं वो तो कह देते हैं कि तुम हमें देखो ना देखो हम तुम्हें देखा करें, तुम नहीं के रहो उन्हीं के रहो। पर ये एक प्रौढ़ोक्ति है, प्रेम बढ़ता है प्रेम से, प्रेम का उद्दीपन, प्रेम रस की स्थापना की है हमारे। और लोग तो छोटे छोटे रस मानते हैं ना, हमारे नाटक के जो आचार्य हैं अभिनव गुप्त, भरत मुनि ने कहा 8 रस मुख्य हैं और 9 शांत रस गौण है, शांतोपि नवमो रस, ये भरत मुनि ने कहा। अभिनव गुप्त ने कहा कि नहीं, शांत रस तो मुख्य है, 9 रस है। किसी किसी ने कहा एक बत्सल भी रस है,
महाकवि कर्णपूर ने अलंकार कौस्तुभ में प्रेम रस की स्थापना की। ये एक प्रेम रस है। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन में ये स्थापना की कि भक्ति रस है, और उन्होंने तो फटकार दिया। बड़े बड़े साहित्य के जो रीतिकार हैं उनको भी फटकार दिया। वो ऐसे ही कहा हो कि मूर्खो तुमको विभत्स रस मालूम पड़ता है, भयानक में रस की सारी सामग्री मालूम पड़ती है, रौद्र में रस की सारी सामग्री मालूम पड़ती है, और भक्ति में रस की सारी सामग्री नहीं है। विभत्स में आलंबन है, उद्दीपन है, संचारी है, व्यभिचारी है, स्थाई है, विभत्स में सब है और भक्ति में नहीं है। आंखें फूट गई हैं तुम्हारी। भक्ति रस है। फिर अलंकार कौस्तुभ में क्या नाम है, महाकवि कर्णपूर ने प्रेम रस की स्थापना की, तो उसमें पूछा, अच्छा आलंबन विभाव तो तुम्हारे राधा कृष्ण हैं, उद्दीपन क्या है? तो उन्होंने कहा उद्दीपन है परस्पर का प्रेम। जब मालूम पड़ता है कि सामने वाला हमसे बहुत प्रेम कर रहा है, तब हमारे हृदय में भी प्रेम रस का उद्वेलन होने लगता है, प्रेम रस उद्दीप्त होने लगता है, प्रेम करने वाले से प्रेम होता है। भगवान ने कहा देखो भाई, चारों ओर से आंख फेरो, हमारे ऊपर ले आओ, और तुम करो मुझसे प्रेम, मैं करूं तुमसे प्रेम। ओहो, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, हमारे तुम्हारे बीच में जब कोई दूसरी चीज नहीं होगी तो हम तो एक हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, ये है ना, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रिया। देखो भाई, वो मेरा प्यारा है कौन, का जो मेरी भक्ति करता है। अच्छा महाराज, आपकी भक्ति करता है, ये कैसे पता चले? तो भक्ति का पता दूसरे को चले इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, स्वसंवेद्य है भक्ति। स्वसंवेद्य है अथवा भगवत संवेद्य है, और ज्ञान असंवेद्य स्वस्वरूप है। ये भक्ति और ज्ञान में ये उनका विश्लेषण है। वो भक्ति हृदय में वृत्ति के रूप में रहती है, इसलिए साक्षी वेद्य साक्षी भक्ति को देखता है, अथवा अंतर्यामी भगवान भक्ति को देखते हैं। और ज्ञान जो है वो स्वस्वरूप है, इसलिए स्वसंवेद्य भी नहीं होता और परसंवेद्य भी नहीं होता। और तो शुद्ध ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञे की त्रिपुटी से रहित अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम्, अवेद्य रहकर अपरोक्ष होता है। बीच बीच में वेदांत का थोड़ा थोड़ा सुना देता हूँ। बात यह ना कि कोई पुस्तक छपती है, कहीं रिकॉर्ड होता है, तो ये बताने का भी मन होता है कि सुनने वाला ये ना समझ जाए कि ये बाबा जी सिर्फ भावुक ही भावुक है ना। कर्कश तर्क, हमको आवश्यकता हो तो वेदांत रीति से बिल्कुल कर्कश तर्क आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं। तो आओ देखो भक्त का स्वरूप, ऐसे चुपचाप पढ़ जाने से काम नहीं चले। जो न हृष्यति न द्वेष्टि, ये वर्तमान दोष की निवृत्ति है। न शोचति, ये भूत दोष की निवृत्ति है। और न कांक्षति, ये भविष्यत दोष की निवृत्ति है। ध्यान से देखो तब मालूम पड़ेगा। इस समय हमको कोई चीज मिली और खुश हो गए, नाचने लगे,
अब महाराज पता ही नहीं लगा गुरुजी कहाँ बैठे हैं, भागवत में है वो। इंद्र को मिल गया स्वर्ग का राज्य और सब देवता उनके आसपास खड़े और उनकी तारीफ करें, महाराज आपसे बड़ा और कोई नहीं, ऐसा हर्षोन्माद हुआ, ऐसा पागलपन, ऐसा खुशी का पागलपन आया इंद्र को कि उनके गुरु बृहस्पति आए उनके सामने, देखा ही नहीं उनकी ओर, पागल हो गया। अरे इतने लोगों के सामने अब हम बैठे हैं सिंहासन पर, तो राजेंद्र बाबू का स्वभाव था महाराज, राष्ट्रपति होने पर भी यदि उनके सामने उनसे कोई बड़ा आ जाए साष्टांग दंडवत करते थे धरती में लेट के। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज चीफ जस्टिस थे, पतंजलि शास्त्री चीफ जस्टिस थे कि जज थे, चीफ जस्टिस थे, उनका स्वभाव देखा। लाल चंदन तो कोर्ट में भी लगाते थे और साष्टांग दंडवत करने का अभ्यास। ये जो आयंगर थे अपने वो अनंत कृष्ण आयंगर है, अनंत सैनम आयंगर जो राज्यपाल श्री कृष्ण जन्मस्थान के लोकसभा के अध्यक्ष, उनको साष्टांग दंडवत करने का अभ्यास। तो अपने हृष्यति ऊंचा ओहदा पाए करके इतना हर्ष हुआ महाराज कि हमसे कोई बड़ा है ये बात भूल गए, तब उन्माद हो गया, हृष्टो दृप्यति दर्प हो गया और मर्यादा का अतिक्रमण हो गया। अब भगवान देख रहे हैं, बोले हाँ अच्छा बड़ा होने के कारण तुम्हारा विनय चला गया, बड़ा होने से तुम्हारी उदारता चली गई, बड़ा होने से तुम्हारी सेहत तुम्हारे शील स्वभाव में फर्क आ गया, तो आओ जरा उलट के देखते हैं। उलट देते हैं वो, यही मस कहीं करई विरंचि प्रभु और विधि मसकते हीन, रंक को राजा राजा को रंक बनाना ये भगवान का खेल है। यो न हृष्यति, वर्तमान में अगर तुम्हें तुम्हारे मन की कोई चीज मिल जाती है तो उस समय भी सावधान रहो, देने वाले को मत भूलो, देने वाला वही है। न द्वेष्टि, तुम्हारे मन के विपरीत किसी ने काम किया और आग बबूला हो गए, काम तो किया सो किया, हुआ सो हुआ और तुम्हारा दिल जलने लगा, इसने आग तो लगाई थी किसी ने कपड़े में और जलने लगा कलेजा। हमने गोरखपुर में देखा था एक बार, तो फूस की कुटिया बनी हुई थी साधकों को रहने के लिए, 18 के लगभग थे, उसमें दो दो जने रहते होंगे। एक दिन लग गई आग रात को, अब महाराज उसमें सेठ लोग साधना कर रहे थे तो किसी के पास 10,000 रुपए का नोट भी था, ठाकुर जी भी थे, और लगी आग और सब लोग घबराए व्याकुल हुए। मैं तो सेवा कुटी में रहता था, बाहर निकल आए देखने को, भाई जी आए हनुमान प्रसाद जी और बोले आग लाओ, आओ चीनी लाओ, चीनी घी लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ। क्या अग्नि के रूप में भगवान आए हैं, उनका स्वागत करो, सत्कार करो। ये हमारे सामने की बात है, रात को खड़ा होकर मैं तो बुझाने में नहीं लगा और लोग आग बुझाने में लगे थे, पर भाई ने कहा बुलाओ, घी ले आओ, घी ले आओ, शक्कर ले आओ, आहुति डालो। न द्वेष्ट, विपरीत परिस्थिति आने पर भी काम पर नहीं, जो उस कर्म का प्रेरक है, आदमी का प्रेरक है,
जो परमेश्वर है उस पर नजर चली जाए। अरे भगवान के यहां भी तुम हमको देख रहे हो? कहां महाराज, मैं देख रहा हूं। अरे तुम हमारे बहुत प्यारे हो। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शोचति, एक सच्ची बात आपको सुना रहा हूँ। हमारे साथ एक पंडित जी रहते थे, पंडित सुंदर लाल जी उनका नाम था। पहले ज्वालापुर महाविद्यालय में प्राध्यापक थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, और हमारे काशी के मूर्धन्य जो वेदांत के विद्वान थे उनसे उन्होंने पढ़ा था। तो हमारे साथ कभी कभी भोजन करने बैठते थे। अब महाराज, जिस दिन बढ़िया भोजन सामने आ जाए, झरझर आंसू गिरे। तो क्या बात है पंडित जी का, अपनी पत्नी का नाम लेते, उसकी याद आ गई। क्या बात है का 35 वर्ष पहले उसने हमको ऐसा भोजन कराया था। अब वैसा भोजन कराने वाला और कौन है? मर गई थी। अब वैसा भोजन कराने वाला कौन है? पत्नी की याद करके वो रोने लगते थे। अब हम गए, हमारा परसा हुआ भोजन गया है, वो दाल गई, वो चावल गया, वो घी गया, और उनको महाराज 35 वर्ष पहले की श्रीमती जी, स्त्रियों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि ऐसे प्रेमी भी पति होते हैं। ऐसे प्रेमी भी पति होते हैं। एक पति पत्नी जा रहे थे आगरा हो ताजमहल देखने के लिए, तो पत्नी ने कहा कि देखो, एक वो पति था जिसने अपनी पत्नी की यादगार में ताजमहल बनाया, तुम मेरे लिए क्या करोगे? उन्होंने कहा, पहले मर जाओ तब करेंगे। अभी से क्या बताओ। तो तो ये शोचति जो है ना, ये तो कालिदास ने तो कहा है कि ये मूर्ख की पहचान है। खादन न गच्छामि, हसन न जलपे, गतम न शोचामि, कृतम न मन्ने, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। भोज ने कालिदास को कहा, मूर्ख हो तुम। कालिदास ने कहा कि मैं खाते हुए तो चलता नहीं, उठाओ खाओ पार्टी का तो मैं हूं नहीं। और हसन न जलपे, हंसते हुए बात नहीं करता हूं, और गई हुई बात के लिए शोक नहीं करता हूं, और जो काम करता हूं उसका अभिमान नहीं करता हूं, और दो आदमी बात कर रहे हों तो मैं तीसरा नहीं बनता उनमें, फिर मैं मूर्ख कैसे? किं कारणम भोज भवामि मूर्ख, क्या कारण है कि मैं मूर्ख हूं? कहा, देखो माने मूर्ख कैसे होता है ये बताने का। हाँ, मूर्ख माने जिसकी बुद्धि मूर्छित है, मूर्छति इति मूर्खः, मूर्छा से ही मूर्ख शब्द बनता है, बुद्धि उसकी बेहोश है। तो न शोचते, जो बात बीत गई वो बीत गई, उसके लिए शोक करने का क्या कारण है? शोक स्थान सहस्राणी, भयस्थान सतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। ये भारत गायत्री है, भारत सावित्री बोलते हैं इसको। महाभारत में 4 श्लोक जो हैं उनको गायत्री रूप माना जाता है। तो बोले भाई, दिन भर में 10 बार रोए, 10 बार हंसे, 10 बार डरे, 10 बार डराया, तो ये कोई जीवन है? जीवन में एक रसता लाने का प्रयास करना चाहिए। धूप हो तो, ठंडा हो तो, गर्मी हो तो, अच्छा आवे सामने तो, बुरा आवे सामने तो, पता लग जाता है महाराज। जब किसी के मन के विपरीत कोई काम होता है तो ऐसा चेहरा बिगड़ता है, मुर्दनी छा जाती है चेहरे पर, और कोई मन का काम हो तो झट खिल जाते हैं। नहीं, आदमी को इतना गंभीर होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही न चले कि इनके मन में दुख हुआ कि सुख हुआ। अपनी गहराई इतनी होनी चाहिए जिसकी था किसी को लग न सके।
न शोचते, तो दोनों ये हो गया भूत। वर्तमान में राग द्वेष के अधीन नहीं होता और भूत के बारे में शोक नहीं करता और न कांक्षति भविष्य में हमको ये मिले ये मिले ये मिले। अब आप लोगों के काम की तो बात नहीं है वो तो मैं जानता हूँ। एक सज्जन एक महात्मा से पूछ रहे थे कि महाराज ये जीभ जो है ये बहुत चटोरी है और कोई न कोई वासना इसमें आती रहती है कि ये खाएं ये खाएं ये खाएं, तो इस पर विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो बोले कि आर्डर मत दिया कर, आर्डर मत दिया कर, बस भोजन के समय जो तुम्हारे सामने आ जाए उसको आवश्यकता के अनुसार खा लो। हाँ, पहले से मत कहो कि हम आज ये खाएंगे, मालूम ही ना हो, थाली सामने आने से पहले मालूम ना हो कि आज खाने को क्या मिलेगा, बस। हाँ, अब अंधकार में कहीं वासना थोड़ी होती है, रोशनी में होती है, मालूम रहता है ये खाएंगे ये खाएंगे। और किसी दिन तो महाराज सोचते हैं कि बहुत बढ़िया खाएंगे और खाने के समय अपने मन की चीजें ही नहीं मिलती, कई बार देखा है। तो भविष्य के लिए आकांक्षा नहीं, भूत के लिए शोक नहीं, और वर्तमान में राग द्वेष नहीं। अच्छा ठीक, छुट्टी मिली, वर्तमान भूत भविष्य से तो मिल गई छुट्टी, लेकिन महाराज लोक परलोक की फिक्र तो कुछ न कुछ होती है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बोलने में कि हम नरक के लिए आपको डरवावे नहीं, नरक का डर न दिखावे, वो काम तो पुरोहितों का है, मौलवियों का है, पादरियों का है, और स्वर्ग की लालच भी आपको न दे। अरे वर्तमान जीवन में हम लोग एक साथ हैं, अब मजे से ये जीवन बीत जाए। तो कभी लोक परलोक की चर्चा भी करते हैं तो दिल बहलाने को ही करते हैं। और मैंने सुना था, हो आप लोगों में से किसी को याद होगा, खूब मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो परलोक की बात छोड़ो, सहज जीवन जिसका व्यतीत होता है वो भगवान का प्यार पाता है। पापासक्त हो गया तब भी उसको भगवान के प्यार का अनुभव नहीं होगा, और पुण्यासक्त हो गया तब तो अपने बल का बोध होने लगेगा कि हम ये पुण्य करते हैं ये पुण्य करते हैं ये पुण्य करते हैं। पुण्य में अपने बल का, अपने मनोबल का, कर्म बल का अनुभव होने लगता है, और पाप में विषयाक्रांत हो जाती है बुद्धि। पाप वही होता है जब हम काम के, क्रोध के, लोभ के वश होकर अनुचित मार्ग से चलने लगते हैं। शुभ, इसी से स्थित प्रज्ञ के लक्षण में यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और ये शुभाशुभ परित्यागी तो महाराज इतना प्यारा लगा कृष्ण को, इस गीता में दो बार कह दिया हो, गुणातीत के लक्षण में भी शुभाशुभ परित्यागी है और भक्त के लक्षण में भी शुभाशुभ परित्यागी है। अशुभ माने जिससे नरक मिलता है, शुभ माने जिससे स्वर्ग मिलता है। तो अब हम लोग तो क्या नाम है, केवल पौराणिक तो है नहीं, ये जो नरक स्वर्ग का वर्णन पुराणों में है ना,
ऐसा हमारे जैनों के दर्शन में तो है, बौद्धों के दर्शन में भी है, लेकिन हमारे वैदिक दर्शन में ऐसा वर्णन नहीं है। वहाँ कहते हैं कि ये जो नरक स्वर्ग का वर्णन है, हमारे दर्शन का अभिप्राय, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो काम करने से नरक मिलता है ऐसा शास्त्र में लिखा है, वहां अभिप्राय है कि ये काम नहीं करना चाहिए। शास्त्र हमारे जीवन के लिए होते हैं, मरने के बाद के लिए शास्त्र नहीं होते। शास्त्र हमारे जीवन को संवारने सुधारने के लिए होते हैं। तो वो कहता है कि देखो ये काम नहीं करना चाहिए, अभिप्राय तो उसका इतना ही होता है। और स्वर्ग का वर्णन करता है शास्त्र, तो उसका अभिप्राय सिर्फ इतना होता है कि ये काम करना चाहिए। स्तुत्यर्थत्वे नवा विधिनाम स्यो, जो निषेध को प्रौढ़ बनाने के लिए नरक का वर्णन है और विधि को प्रौढ़ बनाने के लिए स्वर्ग का वर्णन है। इसलिए अपने जीवन में हमको सावधान होशियार रहना चाहिए कि हम किसी अच्छे या बुरे काम में इतने आसक्त न हो जाएं कि भगवान ही भूल जाए। हम भगवान की भक्ति करें, छोड़ो एक और बाबा। अब यही देखते चलने लगे कि हमारे जूते के नीचे कोई कीड़ी ना आ जाए। अब आप सोच लो अपने लिए, जूता पहन के चलते हैं ना, सड़क पर चलते हैं, घर में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, बचाने लग जाएं कि कोई कीड़ी हमारे जूते के नीचे ना आ जाए, आपका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, गिर पड़ेंगे और गिर पड़ेंगे। हाँ, तो कीड़ी मरे तो कोई बात नहीं, आपको अपना जो भक्ति का मार्ग है वो नहीं छोड़ना चाहिए। कोई पुण्य करने में महाराज ऐसे लगे बोले वो तो कृच्छ्र सांतपन चांद्रायण व्रत पर व्रत करते जा रहे हैं और भीतर का जो देवता है उसको भूखे रख रहे हैं, है ना, गीता में भी तो है, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम। हाँ, अपने शरीर में जो पंचभूत हैं उनको दुर्बल बना रहे हैं, कर्षयंत माने कृश कर रहे हैं, वो कृश। अब पालक के पत्ते का रस पी के जाएंगे फौज में लड़ने के लिए, आप क्या उम्मीद करते हैं? प्राकृत चिकित्सकों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये फौजी आदमी है, हैं? ये फौजी आदमी है, इसको पालक के पत्ते का रस पिला के रखेंगे तो मर जाएगा। हाँ, जलोदर हो जाने की संभावना है, वो पेट में पानी भर जाएगा। हाँ, उसका ध्यान रखना चाहिए ना। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, अधिकारी की ओर भी देखना चाहिए ना, केवल वस्तु का गुण नहीं देखना चाहिए, जिस अधिकारी पर उसका प्रयोग कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। अन्न नहीं देंगे तो आपके शरीर की माटी तकलीफ पाएगी, दुबली हो जाएगी, पानी नहीं देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, ऊष्मा नहीं देंगे तो शरीर ठंडा हो जाएगा, हवा नहीं देंगे, कठोर प्राणायाम कर लिया 24 घंटे यानी 36 घंटे सांस नहीं लेंगे, 21 दिन की समाधि लगाएंगे सांस नहीं लेंगे तो प्राण सूख जाएंगे भाई शरीर के, बोलेंगे नहीं जीभ बेकार हो जाएगी। तो अपने शरीर में जो भूतक ग्राम हैं उनको कृष्ण नहीं करना चाहिए। अचेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम, भगवान ने कहा कि जब तुम अपने को तकलीफ देते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मैं भी तकलीफ पाता हूँ। माम चैवान्त शरीरस्थम कह लो,
तो शुभा शक्ति भी दुखदाई है और अशुभा शक्ति भी दुखदाई है। तो शुभ अशुभ की ओर न देखकर भगवान को देखना चाहिए। भक्तिमान यह स में प्रिया, जो मेरी भक्ति करता है मुझे मत भूलो। चींटी भूल जाए तो भूल जाने दो, और 5 रुपए भूलते हैं कि भूल जाने दो। कहीं कई लोग महाराज प्रशंसा जीवी होते हैं, दूसरों की प्रशंसा कर करके अपनी जीविका चलाते हैं, और कई लोग प्रशंसा जीवी होते हैं अपनी तारीफ सुन सुन के अपने को खुश रखते हैं। प्रशंसा करने वाला तुमको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो नाभिनंदति नद्वेष्टि हो शुभा तत्तत् प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति नद्वेष्टि शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान जा समय प्रिया। जो भक्तिमान है, भक्ति वाला है, और ये नित्य जोगे मतलब बोलते हैं इसको, जिसके हृदय में सोते समय भी भक्ति बनी रहती है, सपने में भी भक्ति है, जागृत में भी भक्ति है, जहाँ व्यवहार में है, जहाँ भगवान की सेवा में कहीं चूक नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि वो मेरा प्रियतम है, प्रिय है, प्रिय है, मैं उससे प्रेम करता हूं। तो भगवान ने अपने प्यार की चाबी आपके हाथ में दे दी, आपके दिल में रख दी। आप यदि भगवान का प्यार पाना चाहते हैं तो जरा अपने दिल की ओर देखिए, वहां तो उन्होंने अपना सारा रहस्य ही आपके जीवन में रख दिया। ओम शांत शांत। अब कल और भाई, हाँ लो बसंत कुमार जी।